अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां एड्स के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ती जा रही है। इससे बचाव के लिए प्रयास भी शुरू किए गए हैं। इसके बावजूद रीवा जिले में करीब 5,000 की संख्या में एचआईवी संक्रमित लोग भी अब भी हैं, जिन्हें जिले के एआरटी सेंटर में दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कई बार एचआईवी पीड़ित की संतान भी प्रभावित हो जाती है। रीवा में कई ऐसे मामले हैं जिनमें बच्चों में संक्रमण फैलने में कोई गलती नहीं की, लेकिन माँ बाप की वजह से वह भी पॉजिटिव है। हर वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस बार भी शहर के कई जगह जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आइए दिखाते हैं निकाली गई जागरूकता रैली और सुनाते हैं आयोजकों का पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। बाकी बीमारियों का इलाज करते हैं मरीजों का, उसी तरह से एचआईवी से ग्रसित जो मरीज हैं उनका भी सामान्य मरीजों की तरह इलाज किया जाए। संदेश ये देना चाहते हैं कि सामान्य जन जो भी हैं, चाहे उनको किसी भी तरह का संदेह हो, असुरक्षित यौन संबंध से उनको ऐसा लगता हो कि हमको हो सकता है, या कभी भी कोई ऐसा अनएक्सप्लेन्ड लक्षण उनको आ रहा हो, वजन कम होता है, बुखार आता है, इलाज ठीक नहीं हो पा रहा, दवाई कराता है तब भी ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको एक बार अपनी एचआईवी की जांच जरूर कराना चाहिए। सामान्य स्वस्थ आदमी को भी एचआईवी हो सकता है, तो यही जागरूकता फैलाने का है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जांच कराएं अपनी। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।